देश की एक इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी होती है, प्रवासी भारतीय कहते हैं या अवैध निवासी जो होते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ऐसी चीजें अपनी घोषणाएं तो की थी चुनावी एजेंडे में, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी उसके बाद आज तक बनाई? जब खतरा सिर पे आ जाता है या सिर पे कोई चीज पड़ जाती है, वैसे तो देश में प्रधानमंत्री जी को विदेश घूमने के अलावा 100 से ज्यादा उनका सतर्क हो चुका है, अच्छी बात है, घूमना चाहिए। रोहिंग्या ही बता रहा हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई पॉलिसी बने, आप मत पूछिए, वो पूछ लेंगे, आप तो अपना जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई इसके बारे में, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल नीति क्या है, कोर्ट की चीजें हैं? अवैध प्रवासी तो हिंदुस्तान नहीं, हर कंट्री की एक वहां समस्या है, लेकिन आप अपनी और चीजों को छोड़कर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के स्थान पर अब एक चीज कही है। सांप्रदायिक माहौल अलग चीज है, देखिए अभी भी नहीं बता, अनंत जी स्पष्ट कर दीजिए। अनंत जी एक चीज केवल ये बता दीजिए, एक दो आतंकवादी की वजह से क्या आप पूरी कौम को आतंकवादी घोषित कर देंगे? नहीं, एक दो आतंकवादी की वजह से, मैं एक बयान पढ़ रहा था अभी, बांग्लादेश के रखना चाहिए कांग्रेस क्या चाहती है, आर्थिक सुधार और वहाँ के फाइनेंस कमल सा है, मेरी सुन लीजिए पूरी गर्मी में, आपने कहने से जवाब नहीं दे रहा, तो आपके पास जवाब मेरे से, आप या तो अनंत कुमार जी की जगह आप बैठ जाइए। अजय वर्मा जी, सर सीधा सवाल है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या रोहिंग्या मुसलमानों को देश के अंदर रहना चाहिए या कांग्रेस कहती है कि आप बाहर निकल जाइए? हम आतंकवाद के बिल्कुल कांग्रेस खिलाफ थी, कांग्रेस खिलाफ है और कांग्रेस खिलाफ रहेगी जी। आतंकवादी किसी भी गतिविधियों से समझौता नहीं करा जाएगा, और ना ही हम कोई झूठे वादे नकली वादे हम करते हैं कि एक घुसेगा 10 मारेंगे और वहां 10 उल्टे मार रहे हैं, एक भी नहीं मार रहे। यानी कि पूरा देश जान रहा है कि खोखले वादे किस तरह से किए जाते हैं। आनंद ये रोहिंग्या पे चुप, रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या पे चुप है, रोहिंग्या मुसलमान हो या कोई भी आतंकवादी हो, जो देश विरोधी चाहे वो कोई भी आतंकवादी का तमगा नहीं है उनके, यही तो कह रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे भाई हमारे साथी अभी यही तो कह रहे हैं कि साहब उसके लिए अंतरराष्ट्रीय खतरा है, उसके लिए देश को खतरा है, इन्हीं के पास खतरे का पैमाना है, इन्हीं के पास एक सूचक खतरा सूचक यंत्र है, पूरी तो कर दूं। मेरा कहने का मकसद यह है, आतंकवाद से कांग्रेस कोई समझौता नहीं करेगी, झूठी नीति और झूठे वादे भी नहीं करेगी, जो करेगी तो ठीक करेंगे, लेकिन रोहिंग्या समर्थन खड़ी रहेगी। जगदीश त्रिपाठी साहब, हम रोहिंग्या के क्या किसी के समर्थन में नहीं है, नहीं रोहिंग्या का विरोध नहीं कर रहे, नहीं नहीं हम खुले आतंकवाद का विरोध करते हैं।